बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मौजूद नाज़रीन। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम हेलो कार वाफियत से होंगे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बनाना फेस वाइटनिंग मास्क के बारे में बताऊंगी। लेकिन इसको बताने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप होम फिजिशियन को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन आइकॉन बेल को ज़रूर क्लिक कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। नाज़रीन, इस बनाना फेस वाइटनिंग पैक से जैसे सन रेज की वजह से हमारी स्किन डैमेज हो जाती है, जहाँ जहाँ हमारी फेस की स्किन पे सन की शुआएँ पड़ती हैं, हमारी स्किन वहाँ वहाँ से काली हो जाती है, यानी डार्क हो जाती है। तो ये पैक आपकी उस डार्क स्किन को भी फेयर करेगा। स्किन डैमेज हो जाती है हमारी या तो किसी ब्लीच वगैरह के इस्तेमाल से, या कोई ऐसी केमिकली क्रीम हम जो लगा लेते हैं तो उसके इस्तेमाल से, तो ये डैमेज स्किन को रिपेयर करेगा। ठीक है, एज स्पॉट्स हो जाते हैं, फ्राई लाइन्स हो जाते, एंटी रिंकल्स को ख़त्म करता है, ये ब्लैक हेड्स को, ब्राउन हेड्स को ख़त्म करता है, डेड स्किन सेल को रिएक्टिव करता है, मिनिमाइज़ करता है, जो पोर्स हमारे ओपन होते हैं उनको मिनिमाइज़ करेगा, स्किन को स्मूथ और शाइनी करेगा, स्किन कॉम्प्लेक्शन को फेयर करेगा। और बहुत सारे लोग हैं जो कि क्रीम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए उनके लिए मैं स्पेशली ये वीडियो बना रही हूँ रेमिडीज़ वाली, कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते। ये तो नॉर्मली सी चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल होती हैं, तो इसको लेकर भी आप अपनी स्किन को फेयर कर सकते हैं विदाउट किसी रिएक्शन के। बट ये है कि आपने टाइम पर लगाना है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने ज़रूर आप लोगों को फ़ायदा देना है। जैसे अब गर्मियाँ आ रही हैं तो हमारी स्किन का कलर ऑटोमेटिकली डार्क हो जाएगा, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलें चलते हैं वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं बनाना। मैंने एक बनाना लिया है और इसको मैं तीन हिस्सों में तोड़ रही हूँ। ठीक है, तीन हिस्सों में तोड़ लिया, ये डालिए। फिर अब हैगा एलोवेरा जेल। इसके अगर आपने फ़ायदे के बारे में जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से क्लिक करके एलोवेरा जेल के फ़ायदे मालूम कर लीजिए। और कौन सा एलोवेरा जेल, दो एलोवेरा जेल मैंने आपको बताएं जो बेस्ट हैं, एक ये वाला जो मैं यूज़ कर रही हूँ, एक और है, तो आपने उसके बारे में भी जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल होगा, वहाँ से देख लीजिएगा। तो एलोवेरा जेल लेंगे हम 1 स्पून, ये देखिए। ठीक है, इसको हमने डाल दिया। अब साथ ही हम लेंगे हनी यानी शहद। ये शहद हमारी स्किन को सॉफ्ट स्मूथ शाइनी बनाता है, हमारी स्किन को रिपेयर करता है और साथ ही हमारे जो ब्लैक हेड्स होते हैं इनको ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। ये हम ले रहे हैं 2 टीस्पून। ठीक है, 2 टीस्पून हमने हनी ले लिया। देन हमारा जो लास्ट इंग्रेडिएंट हैगा ग्रीसलीन। ग्रीसलीन के बारे में भी आप सब जानते हैं, डैमेज स्किन को रिपेयर करता है, स्किन को टाइट करता है, फेयर करता है स्किन को। ये हम ले रहे हैं 1 टीस्पून। ठीक है नाज़रीन, इसको आपको हमने डाल के अच्छे से मिक्स करना है। देखिए मैं मिक्स कर रही हूँ इसे। इसे आपने किस तरह लगाना है ये भी मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ। यह आपने वीक में 2 टाइम ज़रूर यूज़ करना है। स्टार्टिंग का पहला वीक जो होगा आपने उसमें 3 बार यूज़ करना है और उसके बाद आपने 2 टाइम्स यूज़ करना है वीक में। या अगर आप किसी शादी में जाते हैं, मेकअप करते हैं, तो इस मास्क को वापस आके ज़रूर लगाएं ताकि आपकी स्किन पे जो मेकअप के असरात रह गए हैं वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो आपकी स्किन पे एग्नी पिंपल्स नहीं होंगे। आप ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया। इसको लगाना किस तरह है तो ये देखिए, ये मैंने लिया और हाथ पर मैं आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ। स्लाइडली आपने इस स्किन पर इसे रब करना है। ठीक है, ये देखिए, और फिर ये देखिए अच्छे से रब हो गया है। अब आपने इसे कोई 10 मिनट्स लगा के रखना है। 10 मिनट्स बाद आपने किसी भी अच्छे से फेस वॉश या साबुन से अपने फेस को वॉश कर लेना है और इसको लगाने के बाद आपको कभी भी कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक बेस्ट टिप है। सुनाजिंग, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। आपका कोई भी मसला है तो आप मुझसे डिस्कस करें, इंशाल्लाह मैं आपके मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करूँगी। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक इंशाल्लाह लजीम, मुझसे काफ़ी लोगों ने हैंड एंड फूड वाइटनिंग के बारे में पूछा है तो मैं उन्हें टिप्स के तौर पर भी बताऊँगी और मेडिकेटेड तौर पर भी आप किस तरह उसे अपने हैंड और फूड्स को वाइट कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी।
सो नाज़रीन, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। तो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।